तो क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार दुनिया की सबसे बड़े T20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग का सीजन 17 यानी कि IPL 2024 जिसका इंतजार सभी क्रिकेट फैंस काफी बेसब्री से कर रहे हैं कि आखिर IPL 2024 कब से स्टार्ट होने वाला है, कब इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो जानेंगे इस वीडियो में पूरी विस्तार से। साथ ही साथ BCCI और IPL गवर्निंग काउंसिल ने IPL 2024 में एक नया रूल्स लागू कर दिया है, एक नया नियम लागू कर दिया है, इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताने वाले। तो यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। अब जहां IPL 2024 का ऑक्शन भी हो चुका है, अब बारी है IPL 2024 सीजन की जो इस बार 3rd week of March यानी कि मार्च के आखिरी में शुरू होने वाला है, जो अप्रैल और मई का पूरा महीना खेला जाएगा। मई के आखिरी में IPL 2024 का फाइनल होगा। तो 2 महीने पूरे IPL खेले जाएंगे जहां हमारे पास टेंटेटिव स्टार्टिंग डेट्स भी आ चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार 22 मार्च 2024 को IPL 2024 स्टार्ट होने वाला है। पहला मैच 22 मार्च 2024 को खेला जाएगा जहां BCCI और IPL गवर्निंग काउंसिल ने IPL के सभी 10 फ्रेंचाइजियों को बता दिया ये टेंटेटिव डेट्स। आपको बता दें कि IPL 2024 22 मार्च से शुरू हो सकता है जिसका फाइनल महामुकाबला 25 मई 2024 को खेला जा सकता है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर IPL 2024 का डेट्स नहीं आया है, हालांकि ये टेंटेटिव डेट्स है जो आगे या फिर पीछे किया जा सकता है 1 या 2 दिन। जहां रूमर्स तो ऐसे भी हैं कि इस बार IPL 2024 का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक इसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया कि पहला मुकाबला RCB वर्सेस CSK के ही बीच खेला जाएगा। जहां रूमर्स के अनुसार ये पहला मुकाबला चेन्नई के MH चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा यानी कि चेन्नई के चेपक के मैदान पर 22 मार्च 2024 को। अब चलिए बात करते हैं IPL 2024 के नए रूल्स के बारे में कि IPL 2024 में कौन सा सबसे बड़ा नियम लागू हुआ है। तो उससे पहले इस वीडियो का ऑफिशियल स्पॉन्सर है क्राउन 11 ऐप, जहां पर टीम बनाना, खेलना और जीतना बेहद ही आसान है क्योंकि इस ऐप में कोई भी कंपटीशन नहीं है। ये वही ऐप है स्टार 11 का अपडेटेड वर्जन। अगर आप दूसरे ऐप में टीम बना बनाकर थक चुके हैं, जीत नहीं पा रहे, तो अभी फटाफट आइए स्टार 11 ऐप पर, बनाइए अपनी टीम। अगर आप अपनी टीम बनाएंगे तो कन्फर्म है कि जीते जाएंगे क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा कम लोग खेलते हैं। इस ऐप की खास बात यह है कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एंट्री फीस 39 रुपये, तो अगर आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करते हैं तो 2 या 3 रुपये माइनस होंगे, और अगर ऐसे ही आप और भी फ्रेंड्स को इन्वाइट करते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप में आप सिर्फ और सिर्फ स्पिन करके भी लाखों और करोड़ों जीत सकते हैं, तो है ना कमाल का ऐप। अभी फटाफट क्राउन 11 ऐप डाउनलोड करिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, लिंक पर क्लिक करिए, ऐप डाउनलोड करिए और बनाइए अपनी टीम और जीतिए। अब पढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो बात करते हैं IPL 2024 के नए रूल्स, नए नियम के बारे में। तो BCCI और IPL गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी जिसमें सबसे बड़ा फैसला लिया है कि IPL 2024 में एक और नया रूल्स लागू कर दिया है। जहां इससे पहले IPL के एक ओवर में गेंदबाज सिर्फ एक ही बाउंसर कर सकता था। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक गेंदबाज ने एक बाउंसर कर दिया तो फिर बल्लेबाज को पता चल जाता था कि अब गेंदबाज दूसरा बाउंसर नहीं फेंकने वाला है, इसी वजह से वो अपनी रणनीति बनाकर खेल सकता था। अगर गेंदबाज गलती से भी दूसरा बाउंसर करता तो फिर नो बॉल करार दे दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गेंदबाज एक ओवर में दो दो बाउंसर कर सकेंगे जिससे बल्लेबाजों के लिए खतरा है, गेंदबाजों के लिए काफी फायदा है ये रूल। तो एक ओवर में दो दो बाउंसर यानी कि बल्लेबाजों के लिए खतरा, अगर गेंदबाज एक ओवर में दो बाउंसर करता है तो नो बॉल नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर 3 बाउंसर करता है तो फिर तीसरी गेंद को नो बॉल करार दे दिया जाएगा। अब जो जो बल्लेबाज बाउंसर खेलने में थोड़े बहुत भी कमजोर हैं उनके लिए तो परेशानी बढ़ चुकी है IPL 2024 में। तो इसको लेकर आप क्या को सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पर IPL और क्रिकेट की हर एक अपडेट्स, पल पल की खबर सबसे पहले दी जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनिए।